हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी सा स्वेटर डिजाइन पैटर्न। फ्रेंड्स, ये जो है टू कलर का बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी ऑल प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजाइन पैटर्न जो है 4 के मल्टीपल बनेगा, प्लस 1 फंदा लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमने जो है 17 फंदे लिए हुए हैं और ये डिजाइन जो है 8 रो की डिजाइन है। तो चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। हर सिलाई में कुछ न कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, तो आप पूरा अगर डिजाइन देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और ये जो है डिजाइन आपको अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रो 1 है, राइट साइड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई को हमें ऐसे सीधा सीधा बुनाई कर लेना है। और फ्रेंड्स, क्या बताएं, इतना खूबसूरत और छोटा छोटा पैटर्न है इसका कि देखते ही मन को एकदम प्रफुल्लित कर देता है। इतना प्यारा सा डिजाइन लगता है। वैसे तो हमें बहुत ही अच्छा लगा ये डिजाइन, अगर आपको ही अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, डिजाइन पुरानी हो या नई हो, वो जब बनती है ना और देखने में खूबसूरत लगती है तो उसी दिन वो जो है बहुत ही प्यारी दिखती है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया सीधा बुनते हुए। ये सेकंड रो है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई को हमें देखिए उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है और बैक साइड है। तो देखिए, कोई भी बॉर्डर आप बना सकते हैं, जो आपको पसंदीदा बॉर्डर हो आप बना सकते हैं। और बॉर्डर जो है आप जो है 11 या 10 नंबर के नीडल से बनाइएगा, और अगर 3 प्लाई का ऊन है तो और 9 नंबर के सिलाई से ऊपर का डिजाइन और बुनाई कीजिएगा। तो देखिए, हमारा ये 2 रो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये 3rd रो है डिजाइन पैटर्न का, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा। देखिए, हमारा 2 फंदा हो चुका है। अब यहाँ हम अपना जो है सेकंड कलर यहाँ पर फ्रेंड्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है ब्लू कलर लिया हुआ है। आपको जो भी कलर पसंद हो ना, कलर कॉम्बिनेशन आपको 2 तरह का दिखाएंगे। एक हमने आसमानी और सफ़ेद में बनाया था, और यहाँ पर हमने नीला और सफ़ेद में हम बना रहे हैं। तो आपको जो भी कलर पसंद हो ना, वो कलर से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 फंदे में हमें 3 फंदा बनाया, हमने एक बार बुनाई किया ना, अब ये दूसरा फंदा हम बना लेंगे, फिर ये बुनाई करेंगे, ये तीसरा फंदा हो जाएगा। तो हमने एक फंदे में 3 फंदा, देखिए 3 फंदे बनाए, देखिए 1 2 3। अब यहाँ पर हमें जो है व्हाइट कलर से 3 फंदे सीधे बुनने, देखिए 1 2 3। अब यहाँ पर हम लेंगे ब्लू, ब्लू से हमें 3 फंदा बनाना है, ये केवल 1 फंदे में ना, देखिए 1 2 3। फिर इसके बाद 3 फंदा हमें व्हाइट से बुनाई करना है, देखिए 1 2 3। फिर देखिए, यहाँ पर ब्लू से हमें 3 फंदे बुन लेना है, 1 2 3। फिर इसमें देखिए, यहाँ पर हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। लास्ट में हमारे 3 फंदा हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 फंदे में हम 3 फंदा बनाएंगे, 1 2 3। और लास्ट में हमारे ये 2 फंदा व्हाइट से बुने जाएंगे, 1 2। 3rd रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। देखिए, अब हमारा ये रो 4 है बैक साइड, इसको भी ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदा स्लिप करते हैं ऑप्शनली, आप चाहे तो बुन लीजिए। अब यहाँ क्या करना है ना, देखिए इस तरीके से यहाँ 2 का 1 करना है, तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे पीछे से, ऐसे देखिए पीछे से इस तरीके से नीडल्स को ऐसे डालेंगे, और यहाँ पर नीचे से इस तरीके से सिलाई को डालेंगे ना, और ये यहाँ पर वाइट से हम 2 का 1 कर देंगे, देखिए इस तरीके से। और फिर ब्लू कलर से हम बीच वाला फंदा ये बुनाई करेंगे, देखिए। फिर इसके बाद इससे हम 2 का 1 करेंगे, वाइट से 2 का 1 कर देंगे, देखिए। तो हमारे जो फंदे बढ़े थे ना, वो घट गए। अब 1 फंदा उल्टा बुन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ये बैक से ऐसे पीछे से, देखिए ये 1 फंदा ये ब्लू है ना, यहाँ पर नीचे से हमें ये जो है, देखिए यहाँ पर
आप चाहें अगर इस तरह तरीके से नहीं कर सकते तो इस तरह से नीडल्स पे लीजिए और इस तरीके से पलट लीजिए। पलटने के बाद आप यहाँ पर वाइट कलर से 2 का 1 कर दीजिए, देखिए। फिर 1 फंदा ब्लू से हम उल्टा बुनाई करेंगे, फिर यहाँ पर ये 2 का 1 वाइट से करेंगे और 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए ये जो है ना, आप इस तरीके से उस तरीके से इजी नहीं हो पाता, ऐसे लीजिए और फिर इस तरीके से कर लीजिए और यहाँ पर 2 का 1 कर दीजिए। फिर 1 फंदा ब्लू से उल्टा बुनाई करेंगे, फिर ये देखिए वाइट लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए ये 2 फंदा है ना, इसको हम लेंगे राइट नीडल पर, इसे हम ऐसे पलट लेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे वाइट कलर से, और बीच में जो है फंदा है उसको हम ब्लू से बुनाई करेंगे और फिर ये वाइट से हम 2 का 1 करेंगे और 1 फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स हमारा ये 4 रो कंप्लीट हो गया है डिजाइन पैटर्न का, क्योंकि 8 रो की डिजाइन है। तो देखिए इस तरीके से बनकर आया, कितना खूबसूरत सा बना है। अब इसके बाद क्या करेंगे ना, अब हम वाइट कलर यहाँ पर लेंगे और ये पूरी नीडल फंदे को सीधा सीधा बुनना है। तो फर्स्ट फंदा हम स्लिप करके पूरी सिलाई को इस तरीके से हम सभी फंदों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए बहुत ही इजी है फ्रेंड्स और बहुत ही प्यारा ये बन करके आता है। देखिए इस तरीके से आप सीधा बुनते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारा जो है देखिए 7th रो का, सॉरी ये हमारा 5th रो कंप्लीट हो गया। ये 6th रो है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा रो 6 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए रो 7 है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे, इसके बाद देखिए 1, 2, 3 फंदा बुनाई करेंगे। अब जो ये फंदा है ना, इसमें हम ब्लू कलर से 1 का 3 फंदा बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर देखिए वाइट कलर से 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। फिर देखिए यहाँ पर 1 फंदे में हमें 3 फंदा बनाना है, 1, 2, 3। फिर देखिए वाइट कलर से 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। फिर देखिए यहाँ पर 1 फंदे में 3 फंदा, 1, 2, 3। फिर लास्ट में हमारे 4 फंदा हैं, उन्हें हम वाइट से बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4। तो हमारा डिजाइन पैटर्न का 7th रो कंप्लीट हो गया है। 8th रो है बैक साइड है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2। अब यहाँ देखिए हमें ये जो 2 फंदा है ना, इसको हम ऐसे राइट नीडल्स पर लेंगे और इसे ऐसे पलट लेंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 फंदा। देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर से अब हम बीच वाला फंदा बुनेंगे, इसके बाद ये 2 फंदा वाइट से 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे और ये 2 फंदा इस तरीके से लेंगे, इसे पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम ये 2 का 1 कर देंगे। अब बीच का जो ये ब्लू का है ना, तो इसे ब्लू से ही बुनाई करेंगे, फिर ये 2 फंदा वाइट से 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा उल्टा। फिर यहाँ पर ये 2 फंदा लेंगे और इसे देखिए इस तरीके से पलट लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और 1 फंदा ये ब्लू से बुनाई करेंगे। फिर इसके बाद वाइट कलर लेंगे, 2 का 1 करेंगे, लास्ट में हमारे 1, 2,
फ्री फंदा है, उल्टा बुन देंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये जो है 8 रो में डिजाइन पैटर्न बन करके आया है यही। अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।